तो हमारा भाग एक खत्म हो गया है, हमने भाग एक कंप्लीट कर लिया था। अब उसमें हमने डायग्राम इंट्रोड्यूस करवा लिया था, अब ऐसा क्यों राइट। अब देखिए, जब हम पहले देख रहे थे बेसिक्स एंड प्रोसेस, उसमें हमने डायग्राम ये नहीं किया था, इंट्रोड्यूस नहीं करवा था, बिकॉज कुछ ही चीजें थी जो डायग्राम से रिलेट करती थी, बाकी सारी चीजें प्रोसेस में रिलेट करती थी। बट इसमें अब जो बेसिक्स है उसमें भी वो डायग्राम से रिलेट हो रहा है, जो भी सारे पॉइंट्स हैं जैसे कंपोनेंट्स हो गए, वो सारी चीजें यहाँ पर क्या कर रही थी, डायग्राम से रिलेट हो रही थी राइट। सो इसलिए यहाँ पर डायग्राम को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। ओके, सो अभी हमारा भाग एक कंप्लीट हो गया। बेसिक्स के दो भाग थे हमारे, दैट इज भाग एक और भाग दो। भाग एक में हमने देखा कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या है राइट। अब भाग दो में हम क्या देखने वाले कि जो कंपोनेंट्स जो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है और फिर फाइनली वेनियल सिस्टम से कनेक्ट होते हुए कैसे हार्ट में जा रहे हैं, वो सब कुछ हम देखेंगे कि कैसे कनेक्टेड है, वो क्या स्पेशल सेल्स जो वो कंटेन करते हैं, उसके बाद हम लिम्फ को स्पेसिफिकली रिलेट करते हुए आगे बढ़ने वाले, लिम्फ के बारे में स्पेसिफिकली देखने वाले, ज्यादातर ये लिम्फ के बारे में देखने वाले राइट। सो एक बार भाग एक का रिकॉल कर लेते हैं, हमने क्या देखा था। तो हमने भाग एक में क्या देखा था कि लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो क्या है राइट। एक ऐसा सिस्टम टाइनी ट्यूब्स का जो लिम्फ को ट्रांसपोर्ट करता है, सर्कुलेट करता है फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज टू ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये होता है लिम्फेटिक सिस्टम। और उसके बाद हमने कंपोनेंट देखे जैसे लिम्फ, लिम्फ कैपिलरी, लिम्फ नोड, लिम्फ वेसल, लिम्फोसाइट्स। अब लिम्फोसाइट्स के दो फंक्शंस थे, दैट इज क्लीनिंग द लिम्फ एंड फाइटिंग अगेंस्ट द इन्फेक्शन एंड डिजीज, फाइटिंग इन्फेक्शन एंड डिजीजेस। अब इसमें यही देखना है कि जो क्लीन हो रहा है, क्या बोलते हैं हम, लिम्फ जो क्लीन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, और फिर जो फाइटिंग इन्फेक्शन या डिजीजेस है ओके वो कहाँ हो रहा है ओके। दोनों अलग अलग हो रहे हैं राइट। अब लिम्फ में स्पेसिफिकली व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल जिसको हम लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, और लिम्फ नोड्स में भी लिम्फोसाइट्स होते हैं। सो इसी के बारे में आज हम भाग दो में देखना शुरू करते हैं। तो देखिए, लिम्फ कैपिलरीज है वो एकदम टाइनी ट्यूब्स है, जैसे हमने कैपिलरीज में देखा था कि वो थिन वॉल या थिन ट्यूब्स होती है राइट, उसी तरीके से लिम्फ कैपिलरीज भी थिन ट्यूब्स है जो हमारे पूरे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं राइट। अभी क्या करते हैं, ये एक साथ जुड़ते हैं ओके, दे जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ लार्जर लिम्फ वेसल ओके। यहां तक क्लियर है यहां तक क्लियर है, दैट इज लिम्फ कैपिलरीज क्या है, थिन ट्यूब्स हैं ओके जो हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, एंड दे जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ लार्जर लिम्फ वेसल। अभी जो लिम्फ वेसल है कंटेन्स लिम्फ एट लिम्फ नोड्स एट इंटरवल ओके। लिम्फ नोड्स होते हैं एट द इंटरवल ओके, यहाँ पर ऐसा लिखा नहीं है बट लिखना पड़ेगा, लिम्फ नोड्स होते हैं ओके। सो देखिए, जो लिम्फ वेसल्स है वो कंटेन करती है लिम्फ नोड्स एट द इंटरवल। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं लिम्फ नोड्स है, यहाँ पर भी लिम्फ नोड्स है कुछ ओके। इस तरीके से लिम्फ वेसल्स के इंटरवल में कुछ लिम्फ नोड्स होते हैं ओके। अब देखिए, जो लिम्फ वेसल ही कनेक्टेड है लार्ज वेन्स से ऑफ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये देखिए यहाँ पर दिख रहा आपको वेनियस सिस्टम से कनेक्टेड है राइट। सो ये जो लिम्फ वेसल ही कनेक्टेड है लार्ज वेन्स से ऑफ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ पर देखिए ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, या इसको आप हार्ट भी बोल सकते हो ओके। सो जो लार्ज वेन है वेनियस सिस्टम का, वहां पर कनेक्टेड है क्या ब्लड लिम्फ वेसल ओके। ये यहाँ तक क्लियर हो गया। लिम्फ कैपिलरीज क्या होती है, थिन ट्यूब्स होती है जो हमारे पूरे बॉडी में प्रेजेंट होती है, और वो जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज लिम्फ वेसल। लिम्फ वेसल कंटेन्स लिम्फ नोड्स एट द इंटरवल ओके, एंड दे आर कनेक्टेड टू द लार्ज वेन ऑफ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये तीन पॉइंट समझ में, उसके लिम्फ नोड्स के ऊपर आते हैं। जैसे हमने देखा लिम्फ वेसल्स में बीच बीच में इंटरवल्स में क्या होते हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं। अब लिम्फ नोड्स कंटेन्स स्पेशल सेल्स कॉल्ड लिम्फोसाइट्स ओके। अब लिम्फ सेल्स में स्पेसिफिक स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको हम लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, और लिम्फ में भी कुछ स्पेशल टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल होते हैं जिसको हम लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। अब दोनों में लिम्फोसाइट्स हैं बट फंक्शन दोनों में अलग है, ऐसा हम कह सकते हैं। देखिए कैसे हम कह सकते हैं, क्योंकि जो लिम्फ नोड्स में लिम्फोसाइट्स हैं, जो लिम्फ नोड्स जो लिम्फोसाइट्स कंटेन करते हैं, वो क्लीनिंग ऑफ लिम्फ में क्या करते हैं, लिम्फ को क्लीनिंग के इसमें इन्वॉल्व होते हैं। मतलब इन सेंस यहाँ पर बताने की कोशिश की जाके, दैट इज लिम्फ नोड्स में क्या होता है, स्पेशल सेल होता है जिसको हम लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, और जो भी लिम्फ नोड लिम्फोसाइट्स कंटेन करता है वो दो चीजों में इन्वॉल्व होता है, दैट इज क्लीनिंग द लिम्फ ओके, क्लीनिंग द लिम्फ एंड प्रोटेक्टिंग बॉडी फ्रॉम डिजीज
ओके यहाँ पर दो मेन चीज होगी, दैट इज लिम्फोसाइट्स का हमने जैसे कि दो फंक्शन देखे थे, क्लीनिंग लिम्फ एंड प्रोटेक्टिंग बॉडी फ्रॉम डिजीज। ओके सो लिम्फ नोड्स के अंदर भी लिम्फोसाइट्स होते हैं जहां पर क्लीनिंग ऑफ लिम्फ हो रहा है, स्पेसिफिकली क्लीनिंग ऑफ लिम्फ हो रहा है, और फिर एडवांस में क्या हो रहा है, प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम द डिजीज। ओके इतना बात समझ में आ गया। अब स्पेसिफिकली हम लिम्फ के बारे में स्टार्ट करने वाले, उससे पहले हम ये रिकॉल कर लेते हैं। तो देखिए लिम्फ कैपिलरीज क्या है, थिन ट्यूब्स है, ओके विच आर प्रेजेंट इन होल ऑफ आवर बॉडी, दे जॉइन टूगेदर टू फॉर्म अ लार्जर ब्लड लिम्फ वेसल। ओके तो वो एक साथ जुड़ती हैं जिससे एक लार्जर लिम्फ वेसल बनाया जा सकता है। उसके बाद जो जो लिम्फ वेसल्स हैं वो कंटेन करती है लिम्फ नोड्स एट द इंटरवल, और ये लिम्फ नोड्स में स्पेशल सेल्स होते हैं जिसको हम लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, और जो लिम्फोसाइट्स कंटेन करते हैं, मतलब जो भी लिम्फ नोड्स लिम्फोसाइट्स कंटेन करते हैं वो दो चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज क्लीनिंग ऑफ लिम्फ एंड प्रोटेक्टिंग बॉडी फ्रॉम डिजीज। ओके अभी जो लिम्फ वेसल की बात चल रही थी जिसके बीच में लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होते हैं इंटरवल में, अब ये जो लिम्फ वेसल्स होते हैं लार्ज वेन ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं हार्ट है, उसकी जो लार्ज वेन वेनस सिस्टम की वहां से कनेक्टेड है, वहां पर कनेक्टेड है, राइट। ये था हमारा सब कुछ, ये बेसिक से पॉइंट है कुछ अबाउट दी लिम्फ कैपिलरी, लिम्फ वेसल, लिम्फ नोड। ओके इस तरीके से वो कनेक्टेड है, उसके अंदर कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं। अब स्पेसिफिकली हम लिम्फ के बारे में देखने वाले, राइट। अब लिम्फ के बारे में देखते हैं, हमने ये कवर कर लिया, अब लिम्फ के बारे में देखते हैं, स्पेसिफिकली लिम्फ के बारे में देखते हैं, लिम्फ के साथ रिलेट करते हुए देखते हैं। अब लिम्फ एक लाइट येलो या कलरलेस लिक्विड है या फ्लूइड है, ओके okay, अब इसको आप कलरलेस भी बोल सकते हो और लाइट येलो, एकदम लाइटेस्ट येलो भी बोल सकते हो, ओके सो ये लाइट येलो और कलरलेस फ्लूइड है, ओके और इसको हम टिश्यू फ्लूइड भी बोल सकते हैं, राइट। सो ये एक लाइट येलो और कलरलेस फ्लूइड है और इसको हम टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। अब इसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड भी बोलते हैं, जैसे कि हमने बेसिक से पहले भाग में देखा था कि इसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड भी बोलते हैं। अब इसको क्यों बोलते हैं ऐसा, देखिए सिंस लिम्फ रिमेन्स आउटसाइड द सेल ऑफ द बॉडी सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। अब इसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड क्यों बोला जाता है, बिकॉज जो लिम्फ है यह हमेशा आउटसाइड द सेल रहता है, इट रिमेन्स आउटसाइड द सेल ऑफ द बॉडी, मतलब जो बॉडी का सेल है, फॉर एग्जाम्पल जो बॉडी का सेल है उसके आउटसाइड में रहता है, ओके सो दैट इज वाई इट इज नोन एज एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ओके सो वाई इट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, बिकॉज लिम्फ रिमेन्स आउटसाइड द सेल्स ऑफ द बॉडी, सो इट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। इतना बात क्लियर हो गया, ये दो पॉइंट क्लियर हो गए। देखिए लिम्फ क्या है, लाइट येलो और कलरलेस फ्लूइड, ओके आप दोनों भी बोल सकते हो, दैट इज स्पेसिफिकली कलरलेस बोलोगे तो इट इज मोर वैल्यूएबल। ओके सो देखिए इट इज लाइट येलो और कलरलेस फ्लूइड, ऑल्सो कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड, ये लाइट येलो या कलरलेस फ्लूइड भी बोल सकते हैं इसको, और इसको हम टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं, इसको हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड भी बोलते हैं। क्यों, बिकॉज ये जो सेल बॉडी है, बॉडी सेल, बॉडी का जो सेल है, सॉरी बॉडी का जो सेल है उसके आउटसाइड में रहता है, इट रिमेन्स आउटसाइड द सेल ऑफ द बॉडी, सो एज इट रिमेन्स आउटसाइड द सेल ऑफ द बॉडी इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ओके इतना बात समझ में आया, इतना क्लियर हो गया दो पॉइंट्स। अब देखिए इसके अगले दो पॉइंट्स, लिम्फ इज अनदर मीडियम ऑफ सर्कुलेशन ऑफ इन बॉडी। ओके एक लिम्फ जो है ये एक अनदर मीडियम है फॉर द सर्कुलेशन मीडियम इन द बॉडी, एक मीडियम है ये सर्कुलेशन का इन द बॉडी, एक दूसरा मीडियम है, जैसे कि हमने एक मीडियम पहले देख रखा है, राइट। सो ये एक अनदर मीडियम ऑफ सर्कुलेशन इन द बॉडी, ओके लिम्फ इज द अनदर मीडियम ऑफ सर्कुलेशन इन बॉडी। ओके बड़ा ही सिंपल एंड बेसिक पॉइंट है। उसके अगला वाला, इट कंटेन्स लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड डाइजेस्टेड फूड एंड ऑल्सो कंटेन्स जर्म्स फ्रॉम सेल एंड फ्रेगमेंट ऑफ डेड सेल्स। अब देख इनमें तीन चीजें हैं, पहली बात तो इट कंटेन्स थ्री थिंग्स, दैट इज लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड डाइजेस्टेड फूड। अभी डाइजेस्टेड फूड एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कहां से आ गए ये आपको पता है, क्लियर है, राइट, हमने डिस्कस किया था। सो ये जो लिम्फ है ये लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड डाइजेस्टेड फूड कंटेन करता है, और दूसरी चीज कंटेन करता है जर्म्स फ्रॉम द सेल, जो सेल की तरफ से जर्म्स आते हैं वो भी लिम्फ के अंदर होते हैं, और जो फ्रेगमेंट होते हैं डेड सेल्स के वो भी लिम्फ में ही होते हैं, राइट राइट। सो देखिए जो लिम्फ है कंटेन्स लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड डाइजेस्टेड फूड, ये पहली बात। दूसरी बात, कंटेन जर्म्स फ्रॉम सेल, जो सेल्स के द्वारा जर्म्स आते हैं
वो कंटेन करता है, और जो फ्रेगमेंट होते हैं डेड सेल्स के वो होते हैं लिम्स के अंदर। ओके, ये दो पॉइंट समझ में आए। वापस दो पॉइंट हमने डिस्कस किए, दैट इज ये मीडियम ऑफ सर्कुलेशन इन द बॉडी। ओके, इट इज द अनदर मीडियम ऑफ सर्कुलेशन इन द बॉडी एंड इट कंटेन्स लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इन द एंड डाइजेस्टेड फूड। सेकेंड थिंग, इट कंटेन्स जर्म्स फ्रॉम दिस सेल। एंड थर्ड, फ्रेगमेंट ऑफ द डेड सेल। ओके, ये तीन चीजें कंटेन करता है। अभी लास्ट दो पॉइंट हमारे लिम्फ के बारे में, उसके बाद लिम्फ के बारे में हमारा कवर हो जाएगा। ओके, उसके बाद ये रिकॉलेशन होगा इसका। ओके, सो लिम्फ फ्लोज इन वन डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम बॉडी टिश्यूज टू द हार्ट। देखिए, जैसे कि हमने लिम्फेटिक सिस्टम का जो ये था डेफिनेशन, ओके, उसमें भी देखा था कि एक ऐसा टाइनी ट्यूब्स का सिस्टम है जिसमें लिम्फ ट्रांसपोर्ट या सर्कुलेट होता है फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज टू द व्हाट वी कैन से हार्ट या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो वहां से हमको एक और पॉइंट मिलता है, दैट इज जो लिम्फ है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, सर्कुलेट होता है, दैट इज फ्रॉम बॉडी टिश्यूज टू द हार्ट। ओके ओके, उसके बाद लिम्फ ऑल्सो कंटेन स्पेशल टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल। ओके, दैट इज WBC, दैट इज कॉल्ड लिम्फोसाइट्स। ओके, अब लिम्फोसाइट्स यहां पर क्या काम कर रही है? यहां पर दो काम कर रही थी, दैट इज क्लीनिंग द लिम्फ एंड प्रोटेक्टिंग बॉडी फ्रॉम द डिजीजेस। अब यहां पर एक ही काम कर रही है, दैट इज फाइटिंग इन्फेक्शन एंड डिजीजेस। ओके, ये डिफरेंस समझ में आपको, जो लिम्फ नोड्स में लिम्फोसाइट्स है वो दो काम कर रही है, दैट इज क्लीनिंग द लिम्फ एंड प्रोटेक्टिंग बॉडी फ्रॉम द डिजीज। और जो यहां पर लिम्फ है उसके अंदर भी लिम्फोसाइट्स है। ओके, यहां पर लिम्फ नोड्स में लिम्फोसाइट्स है, वहां पर दो काम हो रहे हैं, दैट इज क्लीनिंग द लिम्फ एंड प्रोटेक्टिंग बॉडी फ्रॉम द डिजीजेस। यहां पर से भी एक काम हो रहा है, जो लिम्फोसाइट्स है इन द लिम्फ, दे प्रोटेक्ट और दे हेल्प इन फाइटिंग इन्फेक्शंस एंड डिजीजेस। ओके, ये बात समझ में, इस तरीके से लिम्फ का स्पेसिफिक रिलेशन था टू दी डायग्राम। ये लिम्फ के बारे में हमने देखा, रिलेट करते हुए स्पेसिफिकली लिम्फ के बारे में देखा। अभी लिम्फ के बारे में स्पेसिफिकली हम रिकॉल कर लेते हैं और उसके बाद पूरा टॉपिक रिकॉल करेंगे। बलिए लिम्फ के बारे में स्पेसिफिकली रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, लिम्फ एक लाइट येलो और कलरलेस फ्लूइड है। ओके, जिसको हम टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं, इसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो बॉडी का सेल होता है इसके आउटसाइड में रहता है, इट रिमेन्स आउटसाइड द सेल ऑफ द बॉडी, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ओके, अब ये जो लिम्फ है, इट इज एन अनदर मीडियम ऑफ सर्कुलेशन इन द बॉडी। ओके, इट इज एन अनदर मीडियम ऑफ सर्कुलेशन इन द बॉडी। अब ये जो लिम्फ है, ये तीन चीजें कंटेन करता है, एक तो प्रोटीन मॉलिक्यूल एंड डाइजेस्टेड फूड, दूसरी बात कंटेन्स जर्म्स एंड जर्म्स फ्रॉम द सेल्स। ओके, एंड तीसरी चीज फ्रेगमेंट्स ऑफ द डेड सेल्स। ओके, फ्रेगमेंट्स ऑफ द डेड सेल्स। अब देखिए अगला पॉइंट, जो लिम्फ है वो हमेशा एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, सर्कुलेट करता है या ट्रांसपोर्ट होता है, दैट इज फ्रॉम बॉडी टिश्यूज टू हार्ट, मतलब बॉडी टिश्यू से हार्ट तक। अब देखिए, ये पॉइंट हो गए हमारे, इतने पॉइंट हो गए, फाइव पॉइंट हो गए। अब लास्ट पॉइंट हमारा, लिम्फ ऑल्सो कंटेन स्पेशल टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, दैट इज लिम्फोसाइट्स। अब ये यहां पर क्या काम करती है? हेल्प्स इन फाइटिंग द इन्फेक्शन एंड डिजीजेस। ओके, अब देखिए, यहां पर भी जो ध्यान दीजिए, दैट इज लिम्फोसाइट्स लिम्फ नोड्स में भी थे, यहां पर दो काम कर रहे थे, दैट इज क्लीनिंग द लिम्फ एंड प्रोटेक्टिंग बॉडी फ्रॉम द डिजीज। ओके, बट यहां पर भी लिम्फोसाइट्स लिम्फ में, ओके, यहां पर क्या काम कर रहे हैं? फाइटिंग इन्फेक्शन एंड डिजीज। ओके, ये काम कर रहे हैं यहां पर। सो यहां पर डिफरेंशिएशन क्लियर हुआ आपको, लिम्फ नोड्स में जो लिम्फोसाइट्स हैं वो दो काम कर रहे हैं, दैट इज क्लीनिंग द लिम्फ एंड प्रोटेक्टिंग बॉडी फ्रॉम द डिजीज। बट यहां पर जो लिम्फोसाइट्स हैं, जो लिम्फ में प्रेजेंट है, वो सिर्फ फाइटिंग द इन्फेक्शन एंड डिजीज, दे आर ओनली फाइटिंग फ्रॉम द इन्फेक्शन एंड डिजीजेस। ओके, सो ये था पूरा हमारे लिम्फ के बारे में। अब रिकॉल कर लेते हैं, रिकॉलेशन के साथ ही हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मार्क कर लेते हैं, जो भाग दो में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए, लिम्फ कैपिलरीज आर टाइनी ट्यूब्स। ओके, लिम्फ कैपिलरीज आर टाइनी ट्यूब्स। ओके, सो दे आर प्रेजेंट इन होल ऑफ आवर बॉडी। ओके, सो ये हमारी पूरी बॉडी में होते हैं और ये टाइनी ट्यूब्स होते हैं। ओके, नाउ दे जॉइन टूगेदर टू फॉर्म लिम्फ वेसल्स। ओके, टू फॉर्म लिम्फ वेसल्स। तो ये पूरा ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है एक तरीके से। ओके, सो लिम्फ कैपिलरीज क्या है? टाइनी ट्यूब्स हैं विच आर प्रेजेंट इन होल ऑफ आवर बॉडी एंड दे जॉइन टूगेदर टू फॉर्म अ लार्जर लिम्फ वेसल। अभी जो लिम्फ वेसल है, ओके, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये देख लेते हैं पहले। देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर सिर्फ आप बोल सकते, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, और लिम्फ का तो पूरा इंपॉर्टेंट है।
सो इम्पोर्टेंट पॉइंट मार्क करने की जरूरत नहीं, एज होल थिंग इज इम्पोर्टेंट, राइट। सो अब रिकॉल कर लेते फिर, देखिए लिम्फ वेसल्स कंटेन लिम्फ नोड्स एट द इंटरवल। अब जो लिम्फ वेसल है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, अभी लिम्फ वेसल है ओके, इसके इंटरवल में लिम्फ नोड्स होते हैं ऐसे, ओके लिम्फ नोड्स होते हैं ऐसे, ओके बात समझ में आपको क्लियर हुआ। सो देखिए लिम्फ वेसल्स के इंटरवल में लिम्फ नोड्स होते हैं, और ये लिम्फ नोड्स के अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं जिसको हम लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, और ये जो लिम्फोसाइट्स है ये दो काफ में इन्वॉल्व है, ओके दैट इज क्लीनिंग ऑफ लिम्फ एंड प्रोटेक्टिंग बॉडी फ्रॉम द डिजीज, ओके तो थ्रोट प्रॉब्लम दैट इज वाई बीच बीच में अटकना होगा, सो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना उससे, ओके थ्रोट प्रॉब्लम है तभी भी हम बीच करेंगे, राइट। सो देखिए अब वापस टॉपिक की तरफ जाते हैं, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो देखिए लिम्फ वेसल्स में लिम्फ नोड्स होते हैं एट द इंटरवल, ओके एंड ये जो लिम्फ नोड्स होते हैं इसके अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं, इट कंटेन स्पेशल सेल्स कॉल्ड लिम्फोसाइट्स। अब यहां पर जो लिम्फोसाइट्स हैं ये दो काम कर रही, दैट इज क्लीनिंग द लिम्फ एंड प्रोटेक्टिंग बॉडी फ्रॉम द डिजीज। तो ये सारे पॉइंट्स है। अब जो लिम्फ वेसल्स हैं ये कनेक्टेड टू द लार्ज वेन ऑफ द बॉडी सर्कुलेटरी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो यहां पर ये कनेक्टेड है, यहां पर देख सकते हैं आप ये डायग्राम में क्लियरली, राइट। तो ये थे हमारे बेसिस पॉइंट ओके भाग दो के। अब देखते हैं लिम्फ केस में, ओके लिम्फ केस में हम स्पेसिफिकली हम देखा कि क्या है लिम्फ, और उसको एक बार रिकॉल भी किया, सेकंड टाइम रिकॉल कर लेते हैं फटाफट। ये लाइट येलो और कलरलेस फ्लूइड है जिसको हम टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं, इसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी बोल सकते हैं, बिकॉज ये आउटसाइड द सेल होता है हमेशा, जो बॉडी सेल होता है उसके इट रिमेन्स आउटसाइड द सेल, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये अनदर मीडियम ऑफ सर्कुलेशन इन द बॉडी। उसके बाद ये तीन चीजें कंटेन करता है, दैट इज लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड डाइजेस्टेड फूड, दूसरी चीज इट कंटेन्स जर्म्स फ्रॉम दिस सेल, ओके एंड तीसरी चीज फ्रेगमेंट्स ऑफ डेड सेल्स, ओके। अभी जो लिम्फ है ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, दैट इज फ्रॉम बॉडी टिश्यूज टू दी हार्ट, जैसे कि हमने लिम्फेटिक सिस्टम के डेफिनेशन में भी देखा था, तो वहां से बॉडी टिश्यूज टू दी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको आप हार्ट भी बोल सकते हो, मैंने बोला था वहां पर, राइट। सो इट ऑल्सो सॉरी इट फ्लोज इन वन डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू दी हार्ट। लिम्फ ऑल्सो कंटेन स्पेशल टाइप ऑफ WBC, दैट इज लिम्फोसाइट्स व्हिच हेल्प्स इन फाइटिंग इन्फेक्शन डिजीज। तो यहाँ पर जो लिम्फोसाइट्स है, ओके यहाँ पर जो लिम्फोसाइट्स है, दैट इज इन लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स के अंदर जो लिम्फोसाइट्स है, यहाँ पर क्या हो रहा है, दो चीज हो रही है, क्लीनिंग द लिम्फ एंड प्रोटेक्टिंग बॉडी फ्रॉम द डिजीज। बट यहाँ पर जो लिम्फ है, इसके अंदर जो लिम्फोसाइट्स है, यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज हो रही है, फाइटिंग फ्रॉम इन्फेक्शन एंड डिजीज, ओके। सो यहाँ पर क्लीनिंग ऑफ लिम्फ एंड प्रोटेक्टिंग बॉडी फ्रॉम द डिजीज, ये लिम्फ नोड्स के अंदर हो रहा है, एंड लिम्फ के अंदर जो लिम्फोसाइट है वो सिर्फ फाइटिंग इन्फेक्शन एंड डिजीज, इतना ही हो रहा है, राइट, इट हेल्प्स इन फाइटिंग इन्फेक्शन एंड डिजीज। तो ये था हमारा भाग दो, इस तरीके से जो हमारा पार्ट वन था, बेसिक्स था, राइट, जो हमारा बेसिक्स था वो यहाँ पर कवर होता है, प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। सो यहाँ पर हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम का बेसिक्स है वो यहाँ पर कवर होता है, खत्म होता है।